Hi guys, welcome back to my channel Create and Beautify by Niralis. Manisha Dugga here. So आज में भी मैं आपके लिए कुछ क्रिएटिव टिप लाई हूँ, कुछ नया बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करने के लिए. बिफोर दैट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साफ साफ बोल दो, भाई पसंद नहीं आता इसलिए नहीं कर रहे हैं. अगर पसंद भी आ रहा है फिर भी नहीं कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है. So guys, please do subscribe to my channel and click on the bell icon so you don't miss my next tutorial video. Yeah. और आज कुछ क्रिएटिव करने से पहले I'll be unboxing a corner shelf which I got from Amazon. So let's start with it. So here it is. मैंने 5 shelf वाला corner का arrangement Amazon से order किया था. सो इट वॉज सो नाइसली पैक्ड. सुबह मेरे हाथ में ये इतना छोटा सा कॉम्पैक्ट बॉक्स आया, तो एक बार तो आई वॉज वंडरिंग कि बनाऊंगी कैसे. सो एंड इट वॉज सो नाइसली पैक्ड कि चारों तरफ से कहीं से भी किसी की भी एज खराब नहीं हुए, ऐसे शेल्व्स आए थे. एंड दे हैड गिवन सच अ वंडरफुल अरेंजमेंट. नंबर वाइज दिया हुआ था कि किस शेल्फ को कहाँ पे स्क्रू करना है. सो आई टुक वन ऑफ माई बिग औजार, अ स्क्रू ड्राइवर, जिससे मैंने उसको फिक्स कर दिया. एंड हियर वी आर विद द फाइनल प्रोडक्ट. बिफोर दैट, ये डैमेज नहीं हो ऑन द वे, उसके लिए इन लोगों ने इसको इस तरह से साइड में सपोर्ट दिया था कार्टन बॉक्स में, विच आई ओपन एंड आई थॉट कि ये वेस्ट तो करने का नहीं है, बहुत सॉलिड था, तो वी शुड हैव अ वीडियो ऑन इट. क्या कहते हैं आप? So let's start. Here it is. जिसको मैंने असेंबल किया मॉर्निंग में. It had tiny tiny screw places जहां से मैंने इनको स्क्रू करके एक एक शेल्फ को अटैच करते गए. और ये किसी भी वॉल पे कॉर्नर में सेट हो जाएगा. So I think so you people like this product and so here we are. I told you कि बहुत ही strong सा इसका support था side में जो इस corner shelf के साथ आया था, तो मुझे उसको देखते ही थोड़ा समझ में आया best out of waste कुछ बनाया जाए. So मैंने इन दोनों को, जैसे 4 piece आए थे, 2 नीचे 2 ऊपर, I thought कि इनका कुछ किया जाए. और one more thing, आपको पता है कि मैंने corner shelf कितने का लिया? Yeah, it was for 608. Can you believe it? Just for 608, no shipping. That's it. और अभी वो 948 का आ रहा है. So I was lucky enough to grab the deal at the right time. आप किसका वेट कर रहे हैं? So यहाँ मैंने ग्लू लगा के एक साइड को स्टिक कर दिया. And similarly I'll be doing the second side. Here I have done. एक स्टैंड काइंड बन गया मेरा. सेकेंड थिंग, आपके पास कोई भी पुराना दुपट्टा वगैरह कुछ हो जिसको आप डिस्कार्ड कर चुके हो, यूज भी करना है, उसमें से मैंने कुछ बॉर्डर कट कर लिया. ये एक्चुअली एक साड़ी थी मेरे पास जो आई एम नॉट वेयरिंग नाउ, सो आई थॉट कि इससे ही कुछ बनाते. सो इसको स्टिक करने के लिए हम लोग ने एक साइड पे ग्लू लगा लिया, हल्का सा ही लगाया. एंड हियर वी स्टार्टेड. बीच बीच में थोड़ा सा लगाया है मैंने, बाकी मैंने रोटेट करके लास्ट में ही लगाना है. और हियर आई विल क्लोज द एंड बिफोर लॉकिंग इट, ताकि इसके जो थ्रेड्स हैं वो बाहर नहीं आए. Yeah, it is. इस तरह से हो गया ये. फिर मैंने कोई भी, जैसे आपके भी कोई दुपट्टे में लेस हो, आपने कोई बॉर्डर लेस निकाल दी, तो जैसे जो उसके साइड्स रह गए थे, तो आई विल बी पुटिंग इस तरह की लेस साइड्स में. Yeah.
here it is done. जो एक्स्ट्रा है वो मैंने कट कर दिया, so I'm done with it. Similarly, I'll put on another side. इसके दूसरे एज पे भी मैं इसी तरह से लगा लूंगी अभी. So here I have done with both the sides. Now I have taken up CD. आज के टाइम में CD तो कोई सुनता नहीं है. इसकी रिम पे मैं कुछ स्टोन्स लगाऊंगी कुंदन के अलग अलग. थोड़ा सा पिंक कलर का कॉम्बिनेशन लिया है बिकॉज जस्ट जो मैं यूज करने वाली हूँ उस पर उसमें मैंने पिंक कलर का साड़ी यूज किया है. इस तरह से इसकी पूरी रिम पे मैं स्टोन्स की एक लाइन लगाऊंगी. Here it is. इस तरह से इसको मैं पूरा राउंड. So here I have done this. अब ये जो मैंने बनाया था उस पर मैं नीचे ग्लू लगा लूंगी एंड आई विल बी यूजिंग इट एज अ वॉस फ्लावर वॉस. दिस इज द वे हमने इसको बनाया एक पिलर की तरह से. और थोड़ा सा सेंटर में मैं एक ब्रोच लगा रही हूँ. एंड फॉर दिस यू हैव टू अप्लाई काफी सारा ग्लू ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए. थोड़ा सा इसको रिच लुक देने के लिए एंड इसको स्टेबल करने के लिए अभी हम लोग को इसको काफी देर पकड़ के रखना पड़ेगा. सो ये ब्रोच फिक्स होने के बाद ये फ्लावर वॉस हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है जिसमें हम कोई भी एक फ्लावर की ट्विग इस तरह से रख सकते हैं. दैट्स इट. हमारा एक आइटम तो बन गया एंड आपको मैंने बताया था इसमें हमारे पास दो आए थे ऐसे सेट, तो हम दूसरे का भी कुछ बनाते हैं. फॉर दिस मैंने एक बार थोड़े से छोटे छोटे से पीसेस काट लिए थे और इसको पहले मैं मुझे ये एंड्स क्लोज करने हैं इसलिए मैं इसको पहले यहाँ पे इस तरह से स्टिक करके इसके जो होल था ज्वाइन कर दिया. दोनों साइड से मैंने इसको क्लोज कर दिया. अब इसको वापस रोटेट करके क्लोज कर दूंगी जैसे अपन ने फ्लावर वॉस के लिए किया था. वापस क्लोज करने के टाइम इसका एंड वापस से क्लोज करके फिर अपन को इस तरह से क्लोज करना है. डन. दिस टाइम हमने क्या किया है कि इसके एंड्स भी क्लोज कर दिए हैं बिकॉज अब हम लोग वापस फ्लावर वॉस नहीं बना रहे थे, हम लोग कुछ और डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर दैट अगेन वी नीड यही वाला लेस जो हमने उस साइड लगाया था इस साइड भी इसी तरह से लगाएंगे अपन. सो हियर वी हैव डन. इसमें मैंने यहाँ पे भी सेम ब्रोच लगा लिया जैसा हमने उसमें लगाया था बिकॉज आई वॉन्ट टू पेयर अप. और ये जो स्टोन्स मैंने सीडी पे जो अरेंजमेंट किया था उसका एक एक लाइन यहाँ पे भी दे दिया, तीन तीन स्टोन्स ड्रॉप कर दिए. एंड आई एम गोइंग टू यूज इट एज अ स्टैंड दिस टाइम. मैं कहीं से बुद्धा जी की कुछ स्टैचूज लाई थी छोटी छोटी मिनिएचर वाली. आई हैड अ सिक्स का सेट जो मैंने अभी तक कहीं प्लेस नहीं किया था. सो आई विल बी यूजिंग इट हियर. मैंने थोड़ा सा ग्लू लगा के बुद्धा जी को यहाँ स्टैंड पे कर दिया अरेंज. सो ये जो शेल्फ मैंने मंगाई है घर में एंटर होने पे कॉर्नर पे दिखने के लिए,
तो बुद्धा जी तो हमें एंट्रेंस पे ही देखने चाहिए, उस हिसाब से मैंने बनाई। और ये जो फ्लावर्स हमने इसमें अरेंज किए थे, मैंने इसमें से कुछ फ्लावर्स तोड़ लिए बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज इट एज अ सेट, आई वॉन्ट टू पेयर इट, तो मैं इसमें भी थोड़ा सा फ्लावर का डेकोरेशन दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो आप लगाइए, लेकिन मेरे को साथ में रखना है दोनों को, इसलिए मैं रख रही हूँ। सो मैंने जो ये कॉर्नर शेल्फ मंगाई, 5 शेल्फ की है, 2 कंपार्टमेंट तो मैंने फिल कर दिए, रेस्ट 3 आई हैव टू डू। सो होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में एक लाइन ड्रॉप कर दीजिए, इट मोटिवेट्स मी एक्चुअली कि आपको पसंद आ रहा है तो मैं नेक्स्ट इससे बेटर ला पाऊँ। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट। जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम और बेटर वीडियो लाएं। एंड होप यू एंजॉयड, ट्राई इट एट होम, थैंक यू।